यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चंदवक पुलिस टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी, हिस्ट्री शीट अब लुटेरा घायल, गिरफ्तार। कब्जे से रिवाल्वर, पिस्टल, जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। डा शून्य अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत श्री ब्रजेश कुमार गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व श्री गौरव शर्मा, क्षेत्राधिकारी किराकत के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 2 मार्च 2023 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक चंदवकमय पुलिस टीम के हरिहरपुर मार्ग पर गश्त व चेकिंग कर रहे थे कि समय करीब रात के 3:19 पर निरीक्षक अपराध श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह थाना चंदवक जनपद जौनपुर द्वारा सूचना दी गई कि एक अपराधी गोमती नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान हम पुलिस टीम पर फायर कर बाबा के वन हरिहरपुर की ओर भाग रहा है। इस सूचना पर जैसे ही प्रभारी निरीक्षक चंदवक के नेतृत्व में पुलिस टीम बाबा के वन से लगभग 200-300 मीटर पहले ही ढलान पर पहुंची कि सामने से आ रही मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति अपनी गाड़ी सड़क किनारे छोड़ भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब भागते हुए व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिससे प्रभारी निरीक्षक चंदवक द्वारा पहने हुए बुलेट प्रूफ जैकेट पर एक गोली आकर लगी। आत्मरक्षार्थ चेतावनी देते हुए पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर किया गया, जिससे अपराधी घायल होकर मौके पर गिर गया। घायल अपराधी से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अभिषेक सिंह, पुत्र स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह, ब्राह्मणपुर थाना चंदवक जिला जौनपुर बताया, जो कि थाना स्थानीय का एक दुर्दांत अपराधी व हिस्ट्री शीटर है तथा गहन पूछताछ पर बता रहा है कि मैं एकांत रास्ते से अवैध सलहे के व्यापार के लिए जा रहा था कि पुलिस द्वारा रोकने व पकड़ने पर डरकर फायर कर भागने का प्रयास किया। घायल अपराधी के कब्जे से एक पिस्टल, देशी 0.32 बोर, एक अदद रिवाल्वर 0.32 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस 0.32 बोर, दो खोखा कारतूस 0.32 बोर व चोरी की एक मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना बिना नंबर बरामद हुई। घायल अपराधी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी से जनपद में इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। जौनपुर से पंकज राय की खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा के द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जाए अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 2 मार्च 2023 को करीब 3:19 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायर कर बाबा के वन की तरफ भागा है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक चंद्रवत मौके पर बाबा वन की तरफ गए, जहां पर लगभग 200 से 300 मीटर दूर पहले वो व्यक्ति आता हुआ दिखा। पुलिस की गाड़ी को देखते हुए वो व्यक्ति ने वहां से गाड़ी उतरकर वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को रोकने का जब प्रयास किया गया तो उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायर किया गया, जिसमें वो व्यक्ति पूछताछ के द्वारा पता चला कि उस व्यक्ति का नाम अभिषेक कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह, ग्राम ब्राह्मणपुर थाना चंदवक है, जो थाना चंदवक का एक दुर्दांत अपराधी व हिस्ट्री शीटर है और अवैध असलहे के व्यापार में लिप्त है। घायल अपराधी के उपचार के लिए उसे तत्काल बिरीवारी अस्पताल भेजा गया, जहाँ से उसे जिला चिकित्सालय जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई।